हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे हिंदी के टॉप 20 प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इन टॉप 20 प्रश्नों की सीरीज, जिसका पार्ट है तीसरा। दोस्तों, यदि आपने इसके पहले के दो पार्टों को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज के दोस्तों ये प्रश्न, आप यदि कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं या कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं। आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जिनका आपको पक्का नंबर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पक्का का तात्पर्य है आपको जैसा आप पूछा गया, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं। आपको यदि याद है वासुदेव सरण अग्रवाल और आपने लिख दिया, तो आपको इसका पूरा पूरा नंबर दिया जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो आइए दोस्तों, आपको मैं लेकर चलता हूँ आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या है, स्कंदगुप्त। जी हाँ दोस्तों, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जय शंकर प्रसाद जी हैं। कौन हैं दोस्तों, जय शंकर प्रसाद जी। आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा है आपका, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है, जो कि बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय जी की रचना है। जब उन्होंने मेरी असफलताएं नामक आत्मकथा लिखी थी, क्या लिखी थी दोस्तों, इन्होंने अपनी ही असफलता के बारे में लिखा था कि मेरी असफलताएं कौन कौन सी हैं। और जब लेखक अपने बारे में लिखता है तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, आत्मकथा कहलाती है। आप जीवन भर नहीं भूलेंगे मेरी असफलताएं। मान लीजिए आपने अपने आप से प्रयास किया, प्रश्न किया कि मेरी असफलताएं क्या क्या हैं, तब आप क्या लिखेंगे, आत्मकथा, यानी अपने बारे में लिखेंगे कि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये नहीं है, मेरे में ये दुविधा है। तो दोस्तों, जब लेखक अपनी कथा लिखता है, अपने बारे में लिखता है, तो क्या कहलाती है, आत्मकथा कहलाती है। और इस रचना से स्पष्ट होता है कि मेरी असफलताएं, यानी स्वयं से कवि प्रश्न कर रहा है, मेरी असफलताएं क्या है, यानी आत्मकथा। किस विधा की रचना है दोस्तों, आत्मकथा विधा की रचना है। अगला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार विट्ठल नाथ जी हैं। कौन हैं दोस्तों, विट्ठल नाथ जी हैं। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन हैं। हंस नामक पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन हैं। रसज्ञ रंजन कृति के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन हैं दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है। वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है, तो इसकी विधा है कहानी। किस विधा की है दोस्तों, कहानी विधा की रचना है। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालिदास की लालित्य योजना। कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है। कालिदास की लालित्य योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। दोस्तों, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और इन प्रश्नों को जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। कौन हैं दोस्तों, लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। भारतेंदु हरिश्चंद,
कवि वचन सुधा के संपादक थे। गोदान के रचनाकार कौन हैं? गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन हैं दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। मैला आंचल कई बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। मैला आंचल किसका उपन्यास है? यह है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। किसका है दोस्तों? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। इंदुमती किसकी रचना है? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? किशोरीलाल गोस्वामी जी की। अगला प्रश्न है आपका, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुटज निबंध संग्रह के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन हैं दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान किसकी रचना है? आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के दोस्तों? द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर कौन हैं दोस्तों? ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वारिस कहानी संग्रह किसका है? वारिस कहानी संग्रह मोहन राकेश जी का है। किसका है दोस्तों? मोहन राकेश जी का है। अगला प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद जी की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद जी की रचना है। दोस्तों ये थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा के लिए। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं या कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आप इन प्रश्नों को जरूर लिख लीजिए। और आप ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।